नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल मस्ती। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साकेत कुमार मिश्रा, और मेरे साथ चैनल के डायरेक्टर श्याम सिंह चौहान, और कैमरामैन में आज हमारे साथ सतीश भगत जी आए हुए हैं, क्योंकि रूबल तोपनो जो है वो बीमार पड़े हुए हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा कैमरामैन है हम लेके चलते हैं सतीश भगत जी, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक मशहूर पर्यटक स्थल में लेके आया हूँ, जिसका नाम है लोहाजिमी जलप्रपात। दोस्तों, ये अभी तक पब्लिक की नज़र में नहीं आया है, तो चौहान जी ने मुझे बोला कि चलिए मिश्रा जी वहाँ चलते हैं और दर्शकों को इसके बारे में बतलाते हैं, ये कितना खुशनुमा है और कितना ही इसका जो नज़ारा है वो बेहद सुंदर लगता है, इस चीज़ को बतलाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ तक आने के लिए लोकेशन को समझते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो रोड आई है दोस्तों, ये तोरपा प्रखंड मुख्यालय की ओर से आई है। अगर आप तोरपा प्रखंड मुख्यालय से निकलते हैं तो लगभग 14 किलोमीटर के बाद, और खूंटी जिला मुख्यालय से निकलते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर के बाद आप इस टी पॉइंट पर पहुंचेंगे। दोस्तों, ये झारखंड के खूंटी जिला के अंतर्गत पड़ता है, और अगर आप इस टी पॉइंट पर पहुँचते हैं तो ये इस रोड का प्रयोग करें, ये रोड आपको सीधे लोहाजिमी जलप्रपात में लेके जाएगी। अभी जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये लोहाजिमी गांव के अंतर्गत पड़ता है। मेरे साथ चैनल के डायरेक्टर हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, चौहान जी ये बताइए, कभी आप यहाँ आए हैं या दूसरों से सुन के आप यहाँ तक हमें लेके आए हैं, दर्शकों को ज़रा बताइए। एक्चुअली में क्या है साकेत जी, मेरा फ्रेंड एक इधर ही रहता है, तो उसने कहा कि भाई आप लोगों का वीडियो तो मैं काफ़ी देखा हूँ, लेकिन एक जगह तो आप लोग किए ही नहीं। तो मैं बोला कि कौन सा जगह है भाई बताओ, हम वहाँ पे जाते हैं। तो फिर उन्होंने ही हमें लोकेशन बताया, और मैं बोला कि चलिए साकेत भाई चल के देखते हैं क्या लोकेशन है। तो मैं साकेत मिश्रा, डॉक्टर श्याम सिंह चौहान और सतीश भगत जी, आपको आप सीधे लोहाजिमी ग्राम में मिलते हैं और लोहाजिमी जलप्रपात में मिलते हैं, और इसका नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे मिलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं और साकेत मिश्रा जी चैनल के एंकर, हम लोग इस जंगल के बीच में पहुंच गए हैं। हालांकि ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, आप यहां तक ना आएँ। देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है, और जंगल के बीच में हम लोग आए हुए हैं, और यहां पे हाथियों का आतंक और सांपों का कहर बहुत ज़्यादा होता है। और मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा एक बार घुमा के दिखाएं हमारे दर्शकों को। इस ओर आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी ही घनी झाड़ियां हैं, कितना घना जंगल है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। और अगर आप यहां तक आते हैं तो स्थानीय ग्रामीणों की मदद ज़रूर लें। और चौहान जी जैसा बतला रहे हैं, यहाँ हाथियों का और जंगली जानवरों का जो आतंक है वो हमेशा बना ही रहता है। अभी बरसात का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो सांपों का जो कहर है वो हमेशा ही बना रहता है। तो चलिए मैं अब आपको सीधे लोहाजिमी जलप्रपात में लेके जाता हूं, और उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि ये कैसा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग लगातार लोहाजिमी जलप्रपात की ओर बढ़े जा रहे हैं घनी झाड़ियों के बीच में। सतीश जी, आपको कैसा महसूस रहा, जब जरा दर्शकों को बतलाइए। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, ट्रैवल मस्ती के जरिए आज पहुँचा हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मैं श्याम जी को दूँगा, साकेत जी को दूँगा। दोस्तों, एक्चुअली में हम रास्ता भूल गए हैं, ये रास्ता जो है वो लोहाजिमी जलप्रपात की ओर जाएगा मेरे हिसाब से, मैं ज़रा कंफर्म हो लेता हूँ। दोस्तों, ये जंगल जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घना है, और आप ये रिस्क यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि हम रास्ते भूल गए हैं, और जो है यहाँ पे जानवरों का भी आतंक है, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और डर तो हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी देखता हूँ आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसा हम लोग अभी आए थे लोहाजिमी जलप्रपात, यहाँ पे देख सकते हैं सतीश जी और चौहान जो हैं वो मशरूम चुन रहे हैं। यहाँ मशरूम जो है काफ़ी मात्रा में निकली हुई है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे मशरूम हैं। वहाँ देखिए चौहान जी जो हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं ज़रा कैमरा सामने करूँगा, सतीश जी ज़रा सामने कीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये है मशरूम, इसे खाया भी जा सकता है, ये बिल्कुल एकदम शुद्ध है और बिल्कुल ताज़ा है। अगर आप इस ओर आएंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको मशरूम ही नज़र आएंगे। इस ओर देखिए दोस्तों, यहाँ एक मशरूम है, इधर देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको मशरूम ही नज़र आएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना ही मनोरम नज़ारा है यहाँ। सर, सब तरफ उस ओर देखेंगे दोस्तों, जहाँ बहुत ज़्यादा है, ओ माई गॉड, इतनी बड़ी है वो,
ओ माय गॉड, इस ओर देखे दोस्तों, यहाँ देखिए मशरूम, यहाँ देखिए मशरूम, ओ माय गॉड। तो दोस्तों अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ घर में ले जाने के लिए आपको मशरूम भी मिल जाएंगे। तो चौहान जी, क्या आप इसे ले जाके अभी पकाएंगे घर में? हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा है, जैसे बाज़ारों में मिलता है वो एक दिन उठाते हैं दूसरे दिन बेचते हैं, और हम यहाँ पे जो देखें ये बिल्कुल ताज़ा है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। है ना सतीश जी, अच्छा लगता है ना इसका सब्जी आपको? तो मीट से तो बेहतर लगता है, मीट से भी ज्यादा बेहतर। सतीश जी, आप भी घर ले जाके इसे भाभी से बनवाएंगे क्या? हाँ एकदम जरूर। चलिए दोस्तों अब आगे मिलते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेवल मस्ती, मैं हूँ आपका दोस्त साकेत मिश्रा, और मेरे साथ कैमरामैन हमारे सतीश भगत जी हैं, और जो शूटिंग है वो डायरेक्टर चौहान जी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सतीश जी से जानना चाहूँगा, आप तो कभी यहाँ नहीं आए थे लोहाजिमी जलप्रपात में, तो आपको आके कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे, कितना खतरनाक लग रहा है और क्या क्या आपके मन में चल रहा है, दर्शकों को जरा बताइए सतीश जी। ऐसे तो यहाँ आने पहुँचने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो परिवार के साथ यहाँ आना आपको क्या लगता है, सही रहेगा? नहीं। तो जैसा सतीश जी हमें बता रहे हैं, परिवार को लेके यहाँ बिल्कुल ना आए। दोस्तों आप इस ओर देख सकते हैं, दोस्तों मैं चौहान जी को जरा कैमरा घुमाने के लिए बोलूँगा, इस ओर आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये पत्थर जो है दोस्तों ये बिल्कुल चिकना पत्थर है, मुझे भी चलने में परेशानी हो रही है और हम लोग यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं लगभग 250 से 300 फीट की खाई है, और सिर्फ आपको चट्टाने ही नज़र आएंगी इस लोहाजिमी जलप्रपात में। और इस ओर आप अगर देखेंगे दोस्तों, जरा कैमरा मैन जरा मेरे पीछे आएंगे, इस ओर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यही वो फॉल है जो लोहाजिमी जलप्रपात के नाम से फेमस हो चुका है, और ये जो कटाव है चट्टानों का उसके बीच से होकर पानी नीचे की ओर जा रहा है। ये अभी तो बरसात शुरू हुई है दोस्तों, जब बरसात काफ़ी तेज़ हो जाएगी तो ये चट्टान जो है ये जलमग्न हो जाएगा। तो चौहान जी आप कैमरे के पीछे से ही दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके लोहाजिमी जलप्रपात में दोस्तों, बताइए। देखिए जलप्रपात यहाँ पे मैं आया हूँ, पिछले साल बरसात के टाइम में आया था, उस वक्त तो बहुत ही भयावह दृश्य था यहाँ का, और अभी बस बरसात चालू होने वाला है, और तो बरसात अभी नहीं है, हल्की हल्की बारिश है, तो हल्की बारिश में हल्का ही जो है ये फॉल गिर रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ का स्थिति जो होता है वो बिल्कुल भयावह होता है। और आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, आप यहाँ तक ना आए। तो दोस्तों मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस ओर देखेंगे दोस्तों तो ये घनी पहाड़ों से और घने झाड़ियों से घिरा हुआ ये जलप्रपात है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये जो ये नदी जो जलप्रपात है ये अगर इस रोड से अगर आप आगे जाएंगे दोस्तों तो ये आपको पश्चिम सिंहभूम की ओर लेके जाएगी, और जाके आगे ये समुद्र में उड़ीसा में जाके मिल जाती है। तो सतीश जी आप देख सकते हैं कैसे थक गए हैं और कुछ आराम करने के मूड में लग रहे हैं, तो चलिए और सामने चलते हैं दोस्तों, और कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ बहुत बच के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पत्थरों पे बिल्कुल फिसलन है, और इसकी मुख्य वजह है दोस्तों बारिश का पानी। दोस्तों जब बरसात जो है वो अपने पूरे तेवर में रहती है तो ये पूरा जलमग्न रहता है, और इस रूट से ही पानी बहता है, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है बिल्कुल फिसलन भरा हो चुका है। मैं मानता हूँ इसमें काई नहीं है दोस्तों, बट ये जो पत्थर है ये बेहद ही चिकना है। अगर आप विश्वास करें ना करें, लेकिन अगर आप इसमें चाकू को अपने रगड़ेंगे तो चाकू की जो धार है वो भी तेज हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए आगे मिलते हैं, और कुछ यहाँ होगा तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कैमरामैन और डायरेक्टर के द्वारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या उपस्थित है। और ये नज़ारा जो है दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन जो हैं वो थक गए हैं, तो डायरेक्टर ही शूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ आए दोस्तों, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की मदद जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही भयावह दृश्य है। देखिए दोस्तों सुंदरता जो है वो अक्सर ही खतरनाक होती है, इसलिए आप यहाँ आए लेकिन संभल कर रहे हैं। तो सतीश जी आप जरा दर्शकों को बतलाइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, जरा दर्शकों को फिर से बतलाइए, आप तो आराम भी कर चुके हैं, मैं तो बिल्कुल थका हुआ हूँ। खुशी भी लग रहा है लेकिन खौफनाक जगह है। और आप बताइए कि यहाँ इंसान के नाम पर कुछ नज़र आ रहा है कि आपको? कुछ नहीं। दोस्तों ये बहुत ही वीरान जगह है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो जरा संभल कर रहे हैं, अपने साथ फर्स्ट एड किट जरूर लाएं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से ज़रा सा भी मिस्टेक करते हैं
तो आपके बचने की जो संभावना है वो बिल्कुल शून्य होगी। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप बिना ग्रामीण के सहायता के यहाँ ना आए और फर्स्ट एड किट लेकर जरूर आए दोस्तों। तो चौहान जी जरा दर्शकों के इसका भयावह नज़ारा शूट करके बढ़िया से दिखाएंगे और कैमरा जो है वो सतीश जी को पकड़ाएंगे। हाँ, तो आप दर्शकों को से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रेवल मस्ती की टीम डेंजर डेंजर जगह पे जाते रहती है जहाँ पे कोई नहीं गया है और हम उन्हें खोज कर निकालते हैं। और जो है एक्चुअली में ये तो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है और ये वीडियो से आप आनंद लें, इंजॉय करें, आप यहाँ तक ना आए, हमें फॉलो करने की कोशिश ना करें, हमें फॉलो ना करें, हमारा कॉपी ना करें, है ना, फिर आपको नुकसान हो सकता है। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप परिवार को लाएं या ना लाएं, इस चीज़ों को दर्शकों को बताइए। खाने की क्या व्यवस्था है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ों को बताइए दर्शकों को। देखिए, एक ऐसा फॉल है जो यहाँ पे आने के लिए रास्ता बना हुआ नहीं है और जो है परिवार के साथ ना आए। और मैं चाहूँगा कि नवयुवक जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा फॉल देखने के लिए या फिर पिकनिक स्पॉट देखने के लिए आते हैं, उत्सुक रहते हैं और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। और ये घना जंगल के अंदर है, अगर यहाँ पे आपको कुछ हो जाता है तो यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, कोई ग्रामीण भी नहीं है, गांव भी यहाँ से दूर है। यहाँ पे किसी को आवाज़ भी दीजिएगा तो कोई आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा तपकरा जो यहाँ पे थाना पड़ता है, जो छोटा मोटा टाउन है तोरपा के बाद, वो भी यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपको यहाँ आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए जरा संभल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी वापसी कर रहे हैं लोहाजिमी जलप्रपात से और हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। ज़रा कैमरामैन इधर घुमाएंगे कैमरा, देख सकते हैं रास्ते में भी आपको सिर्फ जंगल और खाई ही नज़र आएंगे। दोस्तों, यहाँ से अगर आपका पैर फिसला तो आपका, देखिए दोस्तों, यहाँ ना कोई डिवाइडर है ना कोई रास्ता है, सिर्फ आपको खाई नज़र आएंगे। तो ऐसे रास्तों पे आप ना आए दोस्तों, अगर आते हैं तो संभल कर चलें। आप उस ओर देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी है वहाँ पे, उस ओर भी देखेंगे तो आपको सिर्फ पहाड़ी, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये लोहाजिमी जलप्रपात दोस्तों। तो चलिए, अब जंगल के रास्ते से मैं साकेत मिश्रा, डायरेक्टर श्याम सिंह चौहान और कैमरामैन जो हमारे आगे चल रहे हैं अभी सतीश भगत जी, वो बिल्कुल थक चुके हैं, वो आपको और आगे का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना भयावह है। ये सारंडा जंगल के बीच में पड़ता है दोस्तों और बहुत ही खतरनाक है। देख सकते हैं यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ हैं। ये सतीश जी जरा हाथ को दिखलाएंगे, ये देखिए सतीश जी के हाथों में ये चोट हो गई है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पर आएँ तो फर्स्ट एड किट लेके आएँ, क्योंकि आपके साथ कोई भी यहाँ अनहोनी हो सकती है। ये कंटीली झाड़ियाँ देख सकते हैं, इसी से यही कटीली झाड़ियाँ हैं जो सतीश जी को घायल किए हुए हैं। तो आप जान रहे हैं, मैं आपको लेके आया था लोहाजिमी जलप्रपात और कैमरामैन जो हैं सतीश भगत जी और डायरेक्टर चौहान जी, और हम लोग बिल्कुल अभी थक चुके हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगा कि इतना आप खतरा मोल ना लें। ये सारंडा जंगल जो है बहुत ही घना जंगल है, एशिया में नंबर वन कहलाता है ये जंगल, सारंडा जंगल जो है, जो कि झारखंड और पश्चिम सिंहभूम बॉर्डर और इधर छत्तीसगढ़ की ओर भी फैला हुआ है, उड़ीसा बॉर्डर में भी सटा हुआ है दोस्तों। तो आप यहाँ तक ना आएँ, और विशेषकर अगर आप आते हैं ये रास्ता जो देख रहे हैं ये आपको लोहाजिमी जलप्रपात की ओर लेके जाता है, तो आप खतरा मोल ना लें। और चौहान जी, दर्शकों को बतलाइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ तक आके, आपको कैसा लगा? मैं तो बार बार यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है आपके मनोरंजन के लिए है और ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे हाथियों का आतंक है, सांपों का आतंक है और भी जीव जानवर जो हैं बहुत सारे हैं। आप नए होंगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से जो है सिर्फ इंजॉय करें, लुत्फ़ उठाएं वीडियो का, कॉपी करने की कोशिश ना करें, कॉपी हमारा कॉपी ना करें, क्योंकि फिर कॉपी अगर हो गया फिर आप ऐसा करोगे तो फिर जो है आपको दिक्कतें मुश्किलें आ सकती है। और इसी के साथ जो है साकेत जी हमारे बताएं दर्शकों को। तो दोस्तों, अभी बरसात का मौसम है और यहाँ काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और लगभग मेरे घड़ी में अभी मैं देख रहा हूँ 5:30 बज गए हैं शाम के। तो यहाँ हाथियों का जो आतंक है वो बना रहता है और विशेषकर अभी शाम हो गया है तो जो बैंडेड करेत है, जो हमारे एक मित्र हैं मुबारक अंसारी जी और बपीदा, वो हमें बार बार दिखाते रहते हैं स्नेक के बारे में, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए भी रहते हैं। बपीदा, क्या मैं बोलना चाहूँगा कि आपने हमें और मुबारक जी बिल्कुल सतर्क कर दिया है, कभी भी हम ऐसे ट्रेवल मस्ती में निकलते हैं तो आपका ध्यान जरूर आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं एक भव्य नज़ारे के साथ, एक अच्छे प्लेस के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड।